यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। आगामी एक माह तक चलने वाले बिरला महोत्सव के दूसरे संस्करण की शनिवार को विधिवत शुरुआत हुई। डाल्टेगर नगर भवन में महोत्सव की शुरुआत गणमान्य जनों के हाथों संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई, जबकि आयोजन समिति की ओर से अतिथियों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। महोत्सव के प्रथम दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत पेंटिंग एवं नाटक प्रतियोगिता से हुई, जिसमें प्रमंडल भर के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बच्चों ने नदियों की स्वच्छता से संबंधित नाटकों के अलावे अन्य विषयों पर भी नाटकों की बेहतरीन प्रस्तुति दे दर्शकों का मन मोह लिया, जबकि पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस अवसर पर माटी कला बोर्ड सदस्य अविनाश देव सहित कई अतिथियों ने अपने संबोधन में कलात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में महोत्सव के आयोजन को पलामू प्रक्षेत्र के लिए मील का पत्थर बतलाया। कहा कि उपेक्षित कला एवं कला प्रेमियों को मंच से जोड़ने का प्रयास बेहद सराहनीय है, संभवतः इस तरह का मंच पहली बार कलाकारों व कला प्रेमियों को मिल रहा है। मुझे राजेश ने जब इसके बारे में बताया तो मुझे लगा कि मेरा ही काम होता है और मैंने कहा कि मैं इस ग्रुप में तुम्हारे साथ काम करूंगा और इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ बातें गाने को उपस्थित हूँ। मैंने देखा कि बिरला महोत्सव का जो विषय दिया गया बच्चों को, मैंने देखा कि 10-15 डेढ़ दर्जन स्कूलों के बच्चे यहाँ चुन करके आए हुए हैं और इस बच्चों को जो विषय दिया गया है वो है नदी और नहर या कोयल नदी। तो ये नदी का संरक्षण ये विषय जुड़ा हुआ है, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, संरक्षण मेरा विषय है, तो ये सब काम जो हो रहा है ये मेरे काम का हिस्सा है, ये हम लोग सबके कर्तव्य का हिस्सा है, इसलिए मैं इससे बिल्कुल 100% में जुड़ा हुआ अपने को महसूस कर रहा हूँ। संरक्षण आज का सबसे ज्वलंत विषय है, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और विचारों का प्रदूषण, ये सब हमारे लिए समाज में बहुत बड़ा खतरा है। सुधारना बच्चे देश के भविष्य हैं, अब भविष्य को अगर इस वर्तमान में अगर सही दिशा और दशा मिले तो बिल्कुल हमारा देश सुपर विश्व गुरु होगा और पर्यावरण की दिशा में खासकर पलामू प्रमंडल पूरे भारत का आईना होगा। सेल्फ ड्रीम जिस तरह से जब हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ, उससे बेटी से कम हम हमें पेड़ पौधा को नहीं देना है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तभी सांसें हैं, जो बहुत चल रही है। राजेश जी का हम सबको सहयोग, हम लोग भी पूरी तरह तन्मयता के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग आया, लेकिन सर भी यहाँ उपस्थित हैं और हमेशा सर के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं साइकिल यात्रा के माध्यम से हम लोग सर जिससे फेसबुक पर जुड़े हुए हमेशा देखते हैं, हम लोग भी जरूर प्रॉमिस करते हैं सर पर्यावरण बचाना सिर्फ आपका दायित्व नहीं, पूरे प्लानों प्रमंडल एक नागरिक का दायित्व है, अगर सभी लोग उठा लेंगे हम लोग कुछ करना चाहिए। बिल्कुल आप कहेंगे